जन्म के बाद 21 दिन तक बच्चे को एक क्षण के लिए भी अकेले रूम में क्यों नहीं छोड़ते, उसका भी एक कारण है। समझिए, बच्चा जो पैदा हुआ है उसके शरीर में अभी गर्भ की गंध है, गर्भ से निकलने के बाद उसमें गर्भ की गंध है। बहुत अच्छे से समझिएगा मेरी बात को। गर्भ की गंध होने के वजह से सबसे पहले ये समझें कि छोटे जानवर जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, चींटा, चींटी, इस तरह के जो जीव जंतु हैं वो इस सुगंध के आसपास, इस दुर्गंध के आसपास पहले पहुंचते हैं। ठीक इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी भी, क्योंकि उसमें से स्मेल है, अभी एक स्मेल है उसके अंदर। ये स्मेल लगभग महीने भर रहती है, लगभग 20 दिन रहती है, लगभग 21 दिन रहती है, और सूतक पातक भी चलता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको अकेले छोड़ देंगे तो उस स्मेल से उसके ऊपर चींटियां इकट्ठी हो सकती हैं, चींटी इकट्ठे हो, चूहा काट सकता है, क्योंकि उसकी जो नाल होती है, जो उसकी नाभि में जो नाल निकली होती है वो भी कच्ची होती है, तो चूंकि मांस है, खुला मांस है, उस खुले मांस को भी खाने के लिए कोई चूहा, कोई चचुंदर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली लालायित हो सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए नियम बना दिया कि इन्हें अकेले नहीं छोड़ना है। अब इसको आप धार्मिक दृष्टि से देखें या इस तरह की दृष्टि से देखें, बेसिकली दिस इज द रीजन।